ये मॉडर्न डे मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सब जितना चीज हम लोग सीखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, वो सब मैथमेटिक्स है फॉर फिजिक्स। इनफैक्ट सारा टूल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक टूल ये भी है, जैसे मान लीजिए एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो अननोन एक्स और वाई, हम इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 9, x माइनस 5y बराबर 11। हम कहेंगे कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यूज निकालिए। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है द कोएफिशिएंट्स, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इक्वेशन जो लिखा गया है वो अनइम्पॉर्टेंट है। यहाँ x के जगह हम u लिख दें, y के जगह v लिख दें, तो भी द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम। यानी इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ इन नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपका सारा ध्यान होगा इन कोएफिशिएंट्स पे, इन्हीं नंबर्स पे, 2, 3, 1, माइनस 5, 9, 11, इन्हीं नंबर से मतलब है आपको। यानी हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उस भविष्य के लिए जिसमें हम सिर्फ आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोएफिशिएंट्स देंगे, बस इतना ही। आप कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ दें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देते हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, 5x² - 3x - 2 = 0, इसी क्वेश्चन में महत्व सिर्फ इन नंबर्स का है जो कोएफिशिएंट्स है 5 - 3 - 2। हम सिर्फ इतना ही देंगे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके बताइए 5 - 3 - 2। अगर हमको कंप्यूटर में डाटा डालना है, नंबर्स डालें, अब हमको सॉल्यूशन रिटर्न करें, तो हम उसको इक्वेशन ऐसे लिख करके थोड़ी बताएंगे, हम केवल कोएफिशिएंट्स बताएंगे और वो हमको जवाब में सॉल्यूशन दे देगा। कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं तो वो डेटा एक इक्वेशन के रूप में नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स के रूप में होता है। अगर हम नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके लिखें, जैसे 2, 3, 4, 5 - 1, 6, 9, 2, 11, और दो लंबा डंडा पार दें, हम यहां पे 9 नंबर्स लिखे हैं बोर्ड पे, अरेंज्ड इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और दो लंबा डंडा पार दिए। इस तरह से हम नंबर्स अरेंज करके लिखेंगे, दो लंबा डंडा पार देंगे, इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का शक्ल हमेशा स्क्वायर होगा, यानी रोज और कॉलम्स का संख्या हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इस तरह से डिटरमिनेंट को लिख दें, 2 रो और 3 कॉलम, देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट हमेशा हम एक्सप्रेस करेंगे एक स्क्वायर के रूप में। यानी अगर 3 रोज दिख रहा होगा तो निश्चित रूप से 3 कॉलम ऑफ नंबर्स दिख रहा होगा, अगर 2 रो दिख रहा होगा तो निश्चित रूप से 2 कॉलम दिख रहा होगा, 4 रोज 4 कॉलम्स। हम लोग इस तरह के डिटरमिनेंट को बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, या सिर्फ 2x2 डिटरमिनेंट बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे 2x2 डिटरमिनेंट, और इस तरह के डिटरमिनेंट को बोलेंगे 3x3 डिटरमिनेंट, या बोलेंगे 3rd ऑर्डर डिटरमिनेंट, 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर 6th ऑर्डर। 6th ऑर्डर बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, यानी कुल मिलाकर के 36 एलिमेंट्स बोलते हैं। इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सभी नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये भी एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इस तरह से एक 3rd ऑर्डर डिटरमिनेंट में कुल 9 एलिमेंट्स होगा, 3 times 3। एक 2nd ऑर्डर डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट्स होगा, 2 times 2। एक 5th ऑर्डर डिटरमिनेंट में टोटल 25 एलिमेंट्स होगा। nth ऑर्डर डिटरमिनेंट में n² नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इन एलिमेंट्स का जो पोजिशनिंग है उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर हम बनाएंगे। जैसे इस पोजिशन पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसको हम ऐसे पुकारेंगे, ए एलिमेंट के लिए एक नाम रख रहे हैं, अगर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 1, 1, पहला नंबर
किस रो का एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सबस्क्रिप्ट किस कॉलम में वो प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे जितना भी एलिमेंट्स होगा सब के लिए पहला नंबर वन होगा, फर्स्ट रो वन टू, यानी ये हम जब भी ए वन टू बोलेंगे तो आप समझेंगे हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का बात कर रहे हैं। ए वन थ्री, ए वन फोर डॉट डॉट डॉट, अगर nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा तो फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स दिख रहा है उनका नाम ऐसे रखेंगे, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री डॉट डॉट डॉट, ए टू एन, ए एन nth रो में पहुंच गए। अब इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका नाम ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री डॉट डॉट डॉट, ए एन एन होगा। हम लोग इस तरह से हर एलिमेंट का एक नाम होगा, जैसे अगर कोई एक हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखे हैं हम पूछें कि ए वन टू एलिमेंट इक्वल टू बताइए क्या है, यानी हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को पूछ रहे हैं। तो अगर आप ये नोमेनक्लेचर समझ गए हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हम माइनस थ्री का बात कर रहे हैं। ए फोर टू बनाइए तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि फोर्थ रो का बात कर रहे हैं, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है सो देयर इज नो फोर्थ रो। ए थ्री टू, हाँ ये है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम नाइन का बात कर रहे हैं। ए थ्री थ्री, यानी हम माइनस टू का बात कर रहे हैं। जब हम एक डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए बी सी एंड डी, तो आपको समझना है कि हम इक्वल टू, इसका मतलब मीन कर रहे हैं ए टाइम्स डी माइनस बी टाइम्स डी। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कुछ आपस में कि ऐसे लिखेंगे ना टू, तो इसका मतलब है रियल नंबर लाइन पे ओरिजिन से टू यूनिट्स मूव करने पर जो नंबर है, और प्लस थ्री यानी वहां फर्दर थ्री यूनिट्स जाएंगे तो जिस नंबर पे पहुंचेंगे सो दिस नंबर वट एवर इट इज रिटन कैन बी रिप्लेस्ड बाई वन सिंगल नंबर दैट नंबर। तो हम आपको उसी तरह से हम लोग पहले से अपना भाषा तैयार कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे फाइव फोर माइनस थ्री टू, तो आपको समझना है कि हम मीन कर रहे हैं फाइव इंटू टू इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर इंटू माइनस थ्री, यानी टेन माइनस माइनस ट्वेल्व यानी ट्वेंटी टू। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू वैल्यू बोलेंगे या उसको बोलेंगे एक्सपेंड करने पर उसका वैल्यू इतना आएगा, एक्सपेंड कर दिए सो दिस मीन्स दिस। सब कुछ हम लोग को डिसाइड करके खाली जमा कर लेना है ताकि हम जब इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें फिजिक्स पढ़ाते वक्त हम इसी तरह से लिखेंगे, कभी डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख देंगे चार नंबर फाइव माइनस वन फोर एंड थ्री, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ समझ जाएगा कि हम कौन सा रियल नंबर मीन कर रहे हैं। जो डिसाइड अभी हुआ हर कोई अपनी मर्जी से नहीं करेगा, सो व्हेनेवर आई राइट सच अ डिटर्मिनेंट अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हम मीन कर रहे हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी फिफ्टीन माइनस माइनस फोर विच इज नाइनटीन। एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लिख रहे हैं ए बी सी डी, लिखेंगे आप समझेंगे कि लिखा हुआ है ए डी माइनस बी सी, इस पर कोई बहस नहीं करना है, हम लोग डिसाइड कर लिए कि ऐसा लिखेंगे तो उसका मतलब ये रहेगा। और अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तब ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है नौ एलिमेंट सी वन सी टू सी थ्री, हाँ हम पूछेंगे इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स का नाम कुछ रख रहे हैं, मान लीजिए लैम्डा लैम्डा वन वन लैम्डा वन टू लैम्डा वन थ्री का पूछेंगे लैम्डा टू वन बराबर कौन सा नंबर, ये सब नंबर्स लिखे हैं तो लैम्डा टू वन माने हम मीन कर रहे होंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका बात कर रहे हैं। तो अभी मान लीजिए डिटर्मिनेंट हम आपके सामने लिखे हैं थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, हम लोग डिसाइड किए कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो उसका मतलब समझना है ये मीन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, फैला के लिखे इसको फैलाना बोलते हैं, इसको सिमटा हुआ बोलते हैं इसको फैला हुआ। तो एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू ये रहेगा डिसाइडेड।
एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो अभी डिसाइड करेंगे तब ना कि कैसे एक्सपेंड करना है। तो देखिए क्या क्या करना होगा, हम यहां पहले कुछ क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो दीज ईच वन ऑफ दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, AIJ आर द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे एलिमेंट्स को। पहला सबस्क्रिप्ट जो होगा वो रो इंडिकेट करेगा और दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम इंडिकेट करेगा। अगर हम किसी भी एक एलिमेंट से पास करता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए और एक वर्टिकल लाइन बनाए, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन पे लाई करने वाला जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ के जो बाकी बचा, अगर उनको हम सजाएं, वन ऑर्डर लेस का एक डिटर्मिनेंट बनेगा, ये थर्ड ऑर्डर था तो एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा, बस उनको कॉपी कर दिए। इस डिटर्मिनेंट को कहते हैं माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट, उसको हम कैपिटल M और 2-1 सिंबल से बोलेंगे, माइनर डिटर्मिनेंट, सिर्फ माइनर बोलते हैं हम, डिटर्मिनेंट अपने तरफ से जोड़ दिए क्योंकि उससे छोटा डिटर्मिनेंट है, इसीलिए माइनर डिटर्मिनेंट हम बोल दिए, माइनर ऑफ AIJ को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल MIJ से। जैसे हम अगर पूछें कि M32 बताइए, यानी A32 एलिमेंट का माइनर बताइए, माइनर ऑफ द एलिमेंट A32 बताइए, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू A32 एंड एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू A32। इमेजिन कीजिए, और जो बचेगा एलिमेंट्स उनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड द माइनर, A11, A13 और A21, A23। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट का माइनर बना सकते हैं, यानी कि कुल 9 माइनर डिटर्मिनेंट्स बनेगा जो कि एक्चुअल डिटर्मिनेंट से एक ऑर्डर छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पे एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखें, हम कहें कि इस एलिमेंट का माइनर डिटर्मिनेंट बनाइए, जिसको कि हम क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करें, M थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, M31 जो है माइनर हम बोल रहे हैं लिखने के लिए, A31 एलिमेंट का माइनर लिखने बोल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे, जो बचेगा उन्हीं नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे। तो अगर हम कभी कहें आपसे कि हमको माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ A31 चाहिए, तो आप तुरंत ही लिखेंगे और इसका वैल्यू भी हमको बता देंगे, -22, -18, -40। इस तरह से हम इन 9 एलिमेंट्स का माइनर आपसे पूछ सकते हैं। हमको चाहिए M22, यानी A22 एलिमेंट का माइनर, दिस इज A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहां से आप वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कीजिए, 539 -13, यही लिख के हमको जो भी होगा कैलकुलेट करके -65 -27 विच इज -91। हम लोग नया नया नाम सब डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ही हम बोलेंगे माइनर तो सबको समझ जाएगा कि हम क्या मीन कर रहे हैं। एक छोटा डिटर्मिनेंट, अगर सेकेंड ऑर्डर का ही कोई डिटर्मिनेंट हो, 5497, अब इस डिटर्मिनेंट में हम इस एलिमेंट का माइनर पूछें, तो ऐसे हर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, सिर्फ एक नंबर बचेगा, ऐसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू बस वही नंबर। जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग डिसाइड किए ना कि इसका मतलब ये, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का मतलब बस वही। अब थर्ड ऑर्डर का क्या मतलब है वही सीखना चाहते हैं, उसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। अब फोर्थ ऑर्डर लिखा हो तो उसका मतलब क्या रहेगा, वो मतलब हर कोई डिसाइड नहीं करेगा अपनी मर्जी से, पहले से डिसाइड हम लोग को करना है कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर लिखा हो तो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, दैट हैज टू बी डिसाइडेड, ताकि हर कोई सेम काम करे, दैट इज द ओनली पर्पस।
हम एक डिटर्मिनेंट ऐसा लिख दें और कहें कि इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू बताइए, तो हर कोई अलग अलग नहीं करेगा ना, हर कोई सेम काम करे, बस उसी के लिए ही सब तैयारी कर रहे हैं। सो इट इज वेरी सिंपल। तो हम माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट डिफाइन कर दिए। अगर फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता, इसी में हम एक रो एक कॉलम बढ़ा देते हैं, 4976 - 2511। अब हम इस एलिमेंट का माइनर पूछते, यह है 822, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम M22 पूछते, तो आप यहां से वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कीजिए। अब दिस 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 एंड दिस 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 जो डिटर्मिनेंट बनेगा, एक ऑर्डर छोटा बनता है। अगर ये फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसमें 16 एलिमेंट है, हर एलिमेंट का माइनर एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा। सो माइनर डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट विच इज वन ऑर्डर लेस देन द एक्चुअल डिटर्मिनेंट। अब एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। हर एलिमेंट का हम एक कोफैक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स का नाम रखेंगे ए आई जे, हर एलिमेंट का एक माइनर डिटर्मिनेंट होगा, उसका नाम होगा एम आई जे, और हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा। व्हाट डू आई मीन बाय कोफैक्टर? दिस इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर। वो सिंपल है, -1 to the power i + j टाइम्स एम आई जे, यह है कोफैक्टर ऑफ द ए आई जेथ एलिमेंट। मतलब जैसे देखिए, अगर हम पूछे इसमें M31 का वैल्यू बताइए इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, तब M31 का मतलब सब कुछ समझ गया है। इस एलिमेंट से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और जो बचेगा एलिमेंट्स उसी को हम एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के रूप में अरेंज करके लिख देंगे, एंड दिस डिटर्मिनेंट विल बी कॉल्ड द माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट, और उसका वैल्यू कितना होगा निकाल भी देंगे। अगर हम कोफैक्टर पूछेंगे इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, तो उसको लिखेंगे कैपिटल C31, और उसका वैल्यू कितना होगा, देखिए क्या डेफिनेशन दिए हैं, -1 to the power i + j गुने एम आई जे, यानी -1 to the power 3+1 गुने -40, यानी कि -1 to the power 4 का वैल्यू +1 है, यानी कि उसका वैल्यू -40 ही हुआ। ये मुश्किल नहीं है। कोफैक्टर का वैल्यू जब हम कहते हैं कि निकालिए, तो पहले आपको एलिमेंट का माइनर डिटर्मिनेंट बनाना है, उसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज से? उसको रिकॉर्ड से देखिए, -1 raised to the power of row + column, और ये नंबर का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 to the power, अगर ये इवन नंबर हुआ रो प्लस कॉलम तो ये प्लस आएगा, और अगर ये ऑड नंबर हुआ i + j तो माइनस आएगा। यानी कि सिर्फ प्लस या माइनस, यही दो साइन हो सकता है इसका। इसका मतलब जब भी हम कोफैक्टर कहें कि निकालिए, तो पहला काम करना है माइनर निकालना है, और उसके बाद केवल ये डिसाइड करना है कि प्लस से मल्टीप्लाई कर दें उसको कि माइनस से। जैसे कोफैक्टर ऑफ A31 निकाल रहे थे तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि -1 to the power 4 इज अ प्लस। देखिए, अगर हम इस एलिमेंट का कहते हैं कि आप माइनर निकालिए, तो माइनर तो अब सब कोई निकाल लेगा, ये सब अब करने का भी जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी निकालना होगा हम लोग को। माइनर ऑफ A11 इक्वल टू, कल्पना कीजिए, और बिना कुछ किए आप सीधे आंसर देखिए बता सकते हैं कि नहीं, मन में, this into this - this into this, so 6 - -13 - 2, इस एलिमेंट का माइनर बताइए M12। यहां कल्पना कीजिए, छिपा लीजिए मन में, और तब बचेगा ये डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर, दिस इंटू दिस, वो मत भूलिएगा कि कैसे करना है मल्टीप्लाई, this into this - this into this, 4 - -13 - 9 - 2 = 18। किसी एलिमेंट का माइनर पूछें, अब वो डिटर्मिनेंट बनाने का भी जरूरत नहीं है, हमको M22 चाहिए,
ये है A22 एलिमेंट, इसका माइनर चाहिए, तो इसको इमेजिन कीजिए, तो बचेगा यही चार नंबर, 5 × −13 − 3 × 9 27, हमको इस एलिमेंट का चाहिए M33, तो इमेजिन कीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, 6 × 5 = −44, तो +44 हो जाएगा। माइनर और कोफैक्टर का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। माइनर इज अ डिटरमिनेंट, वन ऑर्डर लेस, कैसे फॉर्म करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस पास करना है उस एलिमेंट से जो बच गया, उस डिटरमिनेंट को माइनर बोलते हैं। जब कोफैक्टर पूछेंगे उसी एलिमेंट का, इसका कोफैक्टर बताइए, तो सिर्फ इस नंबर को प्लस या माइनस से गुना करना है। आप देखिए कि क्या चीज से गुना करेंगे, प्लस से कि माइनस से, या −1 to the power 3 + 3 − 1 to the power 6 विच इज अ प्लस, यानी कि C33 जो है वो इक्वल टू M33 है। लेकिन अगर C32 पूछें, तो आप अगर M32 निकाल लें तब उसको माइनस से गुना करें कि प्लस से, क्योंकि यहां ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो −1 to the power 5 यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना कोई कठिन काम नहीं है। पहले माइनर निकाल लेते हैं, अब फिर सोचते हैं प्लस सी माइनस। देखिए आपको दिखेगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो −1 to the power 1 + 1 यानी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पोजीशन को हम प्लस पोजीशन बोलेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ऑल्टरनेट करेगा ना, अगर यहां पे −1 to the power 1 + 1 का वैल्यू प्लस आया, अब −1 to the power जो एडजेसेंट एलिमेंट घसकेंगे तो इसमें से एक नंबर बदल जाएगा, तो अब निश्चित रूप से एक माइनस साइन हो जाएगा, फिर एक और घसकेंगे एक बार और बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगल बगल वाला सब जो पोजीशंस है वो अल्टरनेट करेगा साइन में। देखिए अगर इस बात को हम लोग समझ गए हैं तो देखिए, तो हम लोग अब इन सब का कोफैक्टर बोलेंगे, निकालिए C11 बताइए इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि बस इसका जो माइनर है वही बताना है, क्योंकि ये प्लस पोजीशन है, −13 × 6 − 78 − 2 यानी −80 मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनर निकाले प्लस से मल्टीप्लाई किए, C12 निकालना है इसका, तो छिपा लीजिए पहले, और −52 − 18 − 70 उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज माइनस पोजिशन, यानी कि इसका माइनर निकालिएगा तो −70 आएगा, लेकिन इसका कोफैक्टर पूछेंगे तो +70 आएगा। इस तरह से आप जिस पोजिशन का बोलिए हम कोफैक्टर और माइनर निकाल लेंगे। अगर वो नहीं सीखे हैं तो आप इसका एक्सपेंशन नहीं सीख सकते, और अगर ये सीख लिए बस एक्सपेंशन तुरंत सीख लेंगे। इसका हमको माइनर चाहिए और कोफैक्टर चाहिए, तो माइनर तो 10 − 12 − 2 है, ये पोजीशन है 3-2 पोजीशन, उसका माइनर −2, और कोफैक्टर माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस पोजीशन है ये, और ऐसे भी दिख रहा है −1 to the power 3 + 2 यानी कि इसका कोफैक्टर होगा 12। यानी कि कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ एक साइन का अंतर होगा, प्लस या माइनस। नाउ द एक्सपेंशन, कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको हम लोग, यहां पे लिख लें जरा, AIJ स्टैंड फॉर एलिमेंट, MIJ स्टैंड फॉर माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, एंड CIJ स्टैंड फॉर कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसका एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं, जब हम कहेंगे किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, तो हम लोग सबको एक ही काम करेंगे, डिसाइड यही हुआ है कि हम A11 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कोफैक्टर से, दिस नंबर इंटू उसका कोफैक्टर निकालना होगा। इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, दिस माइनस दिस,
आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके कोफैक्टर से, इसका कोफैक्टर निकालिए, माइनर निकालिए, दिस माइनस दिस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां नंबर लिखिए, और a13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके कोफैक्टर से, जो भी नंबर आएगा वही कहलाएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। यानी कि देखें हम लोग अभी सीखे हैं कि नहीं, यहां छोटा नंबर ले रहे हैं, ये सब ऐसे ही जस्ट इस डिटरमिनेंट का नाम रख रहे हैं ए, ए बराबर ऐसा लिखा है। हम पूछें कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए कितना है, तो आप 5 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर यही लिखे, संक्षेप में ऐसे लिख देंगे हम लोग ए वन जे मल्टीप्लाइड बाय उसका कोफैक्टर को ऐड कर देंगे, जे वैरीज फ्रॉम 1 to n, यहां पे 3 ही था, हो सकता था n होता, तो हम क्या लिखें, देखिए a11 इंटू c11 प्लस a12 जे का वैल्यू बदल रहे हैं इंटू उसका कोफैक्टर, ये जो लिखा होगा वही यहां लिखा होगा, प्लस a13 गुने उसका कोफैक्टर, प्लस a13 गुने उसका कोफैक्टर, प्लस a14 इंटू उसका कोफैक्टर, जहां तक ही जाता हो इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ए डिसाइड हुआ है। तो जो हम ऐसा डिटरमिनेंट लिखेंगे तो उसका वैल्यू देखें आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर यानी उसका माइनर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, या a11 इंटू उसका माइनर, क्योंकि इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम है, -1 to the power 1 plus 1 -a12 इंटू उसका माइनर। हाँ, अब यहां पे कोफैक्टर इस एलिमेंट का और माइनर में एक माइनस साइन का अंतर है, प्लस a13 इंटू उसका माइनर, दोनों में से कोई एक तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये थोड़ा स्मार्ट लगता है, एलिमेंट गुने उसका कोफैक्टर एड, ये थोड़ा उससे कम स्मार्ट लगता है, इनफैक्ट इसको स्मार्ट लगने के लिए ही एक क्वांटिटी डिफाइन किया गया था कोफैक्टर, पर जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगला टर्म -a14 इंटू उसका माइनर, +a15 इंटू उसका माइनर, .. फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स को उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना कर करके एड कर दीजिए, जो नंबर आएगा वही हम लोग डिफाइन किए टू बी दी वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, या ये कीजिए। चलिए हम दोनों तरीका से करके आपको दिखाते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर विच इज -18 - 20 विथ अ प्लस साइन, माने माइनर निकाले और उसको रहने दिए जो आया, प्लस -1 दैट इज द सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई उसका कोफैक्टर, छिपाइए उसका माइनर लिखिए, -12 - 18 - 30 और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो भी अच्छा है, तब आपको केवल माइनर निकालना है और अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाना है, प्लस 3 टाइम्स उसका माइनर, 4 - 54 इट इज -50, यही वैल्यू होगा, हर कोई यही लिखेगा, दिस मीन्स दिस। इस तरह से जब आप एक्सपेंड करते हैं a11 इंटू माइनर ऑफ a11 -a12 इंटू माइनर ऑफ a12 प्लस a13 इंटू माइनर ऑफ a13, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट along the elements of the first row, along the elements of the first row. अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा करने के बजाय define किए होते expanding a determinant along the second row, मान लीजिए वही definition होता, सब कोई वही करता, तो along the second row अगर कहते कि expand कीजिए, expand along the second row, जो वैल्यू आएगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा। अगर यही डेफिनेशन देते तो आप a21 को मल्टीप्लाई करते उसके माइनर से,
मल्टीप्लाई को फैक्टर से करना है तो हम माइनस यहां डालना होगा, यहां माइनस से शुरू करना होगा क्योंकि दिस इज द माइनस पोजिशन। प्लस ए टू टू इंटू उसका माइनर, माइनस ए टू थ्री इंटू उसका माइनर। ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं भूलिएगा, हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से गुना करना है। इस बार आप सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो टू फिक्स्ड है, जे विल वेरी फ्रॉम वन टू, अभी थर्ड ऑर्डर है इसलिए। अगर हम कहते कि आप थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कीजिए, यानी आप ए आई थ्री को मल्टीप्लाई कीजिए सी आई थ्री से, थ्री कॉमन होगा, देखिए सब में थ्री कॉमन है, और आई का वैल्यू को वेरी कीजिए वन से लेके थ्री तक, यानी ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री प्लस ए टू थ्री गुने उसका को फैक्टर प्लस ए थ्री थ्री गुने उसका को फैक्टर। मैंने इतना तरह से हम डिफाइन कर सकते थे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अबाउट एनी रो, दिस नंबर इंटू उसका को फैक्टर, दिस नंबर इंटू उसका को फैक्टर प्लस दिस नंबर इंटू उसका, अबाउट द थर्ड रो दिस इंटू इसका को फैक्टर ए थ्री वन इंटू सी थ्री वन प्लस ए थ्री टू इंटू सी थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री इंटू सी थ्री थ्री, यानी कि कुल छह तरीका से हम डिफाइन कर सकते थे एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग अलोंग एनी वन ऑफ द थ्री रोज या एक्सपेंडिंग अलोंग एनी वन ऑफ द थ्री कॉलम्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी तरह से कीजिए आंसर सेम आता है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट। यानी कि अभी आपको यहां लिख दिए कि डिटरमिनेंट का वैल्यू खोजना है तो उसको एक्सपेंड कीजिए अलोंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, लेकिन अभी आपको बताए कि बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप जो चुन ले। जैसे देखिए हम एक डिटरमिनेंट यहां लिख रहे हैं 5430012 79, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको चाहिए तो हम पसंद करेंगे सेकेंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना, काहे क्योंकि 4 इंटू उसका को फैक्टर सी वन टू प्लस 0 इंटू उसका को फैक्टर सी टू टू प्लस 0 इंटू सी थ्री टू, ये सब कैलकुलेट करने के जहमत से बच जाएंगे हम। अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते तो तीनों टर्म तीनों का को फैक्टर खोजना पड़ता, अब सिर्फ एक का को फैक्टर खोजना है। यानी एक्सपेंड करने के लिए खुद से आप चूज करेंगे कि कौन सा रो या कॉलम सबसे अच्छा है, जिसमें जीरो ज्यादा दिखे उसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना प्रेफर कीजिएगा, और नहीं अगर कोई ऐसा नहीं है देन गो फॉर द फर्स्ट रो। और इसका वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू इसका माइनर निकालेंगे हम लोग 14 माइनस 9 और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 3 विच इज माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा डिटरमिनेंट को, यही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सब कोई लिखेगा और आप किसी भी दूसरे रो के अबाउट एक्सपेंड करके दिखाते हैं यही आंसर आएगा, दिस इज माइनस 20। चलिए हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस विच इज 0 माइनस 0, हम एक्सपेंडिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहां तो माइनस होता है तो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहां छिपाना है तो 14 माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0, यही होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, वही आना चाहिए और नहीं आएगा तो कुछ गलती हुआ या तो यहां या तो वहां। वी सी द आंसर इज सेम, आप इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके देखते हैं, ये था ना, लेट अस एक्सपेंड अबाउट दिस कॉलम, 5 मल्टीप्लाइड बाय उसका डिटरमिनेंट दिस माइनस उसका माइनर दिस माइनस दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पोजिशन पे आ गए मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर 8 माइनस 0 प्लस, अब प्लस पोजिशन पे है प्लस माइनस प्लस 9 इंटू उसका माइनर, हम इसी को प्रिफर कर रहे हैं एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर, खाली स्टार्ट करना है एक साइन से, जैसे अगर आप इसके अबाउट एक्सपेंड करते तो स्टार्ट करते विथ अ माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन वाला पोजिशन है,
ये प्लस वाला पोजीशन है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करता है। तो 5 टाइम्स 0 माइनस 0 माइनस 7 टाइम्स 8 माइनस 0 एंड प्लस 9 टाइम्स 4 माइनस 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाले इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 56 और प्लस 36 माइनस 20। दिस इज ब्रिलियंट। ये कोई एक मैथमेटिशियन को दिखा होगा ये बात कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का तरीका यही रहेगा, कोई एक रो चुन लीजिए या कॉलम, एलिमेंट को उनके को फैक्टर से गुना कर करके ऐड कर दीजिए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का। अब ये फोर्थ ऑर्डर के लिए भी यही रहेगा। अगर मान लीजिए एक फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट है a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3 एंड d4, इसका एक्सपेंशन करना है तो दिस इनटू उसका माइनर थर्ड ऑर्डर आएगा, फिर माइनस a2 इनटू उसका माइनर प्लस a3 इनटू उसका माइनर माइनस a4 इनटू उसका माइनर। अब फिर इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, फिर कोई एक रो चुनेंगे उतना इनटू उसका माइनर, इस तरह से करेंगे। फिफ्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट उसी तरह से। पहला चीज तो हम सीखे हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट 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 a2n an1 an2 डॉट 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 an का एक्सपेंशन। a1j मल्टीप्लाइड बाय c1j, j वैरीज फ्रॉम 1 टू n। हम अभी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो ऐसे लिखेंगे, अगर आप सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो a2j into c2j, j वैरीज फ्रॉम 1 टू n। अगर आप थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ai3 ci3, i वैरीज फ्रॉम 1 टू n। ये कॉलम फिक्स हो गया थर्ड कॉलम, a13 c13, a23 c23, a33 c33, a43 c43। कोई एक रो या कॉलम चुन लेंगे और एक्सपेंड करेंगे। संक्षेप में ऐसे लिख दिए। आपको कभी भी किसी भी सवाल में जो हम लोग बनाने वाले हैं उसमें थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट से अधिक नहीं आएगा, सो डोंट बी बॉदर्ड। एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप अगर तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं देन यू आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट। पहला प्रॉपर्टी देखिए जो सीखने जा रहे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक डिटरमिनेंट लिखा है। हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो सब थर्ड ऑर्डर को लेकर के आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम एक दूसरा डिटरमिनेंट बना रहे हैं इन नंबर्स के स्थान को बदल करके, एक नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस इसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के पोजिशन को बदल के एक नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं। हम सोचे हैं फर्स्ट रो का एलिमेंट्स और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को अदला बदली करें, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटरचेंज के लिए सिंबल ये रहेगा। तो इंटरचेंज करते हैं, a2 b2 c2 यहां चला गया, a1 b1 c1 यहां चला गया। और अब जरा इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके देखिए कि इसके वैल्यू और इसके वैल्यू में कोई अंतर आता है कि सेम होता है। आप एक प्रॉपर्टी सीख चुके हैं बिना प्रूफ के कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कीजिएगा वैल्यू सेम आएगा, वो प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं विदाउट प्रूफ। हम मान के चलेंगे कि हमको वो प्रॉपर्टी अब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अब जो कुछ भी हम प्रूफ करेंगे वो उसी प्रॉपर्टी पे प्रूफ करेंगे। सो वंस अगेन बोल देते हैं, यू कैन एक्सपेंड अ डिटरमिनेंट अबाउट एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम, the value comes out to be the same. We have not proved it, but we have accepted it. और हम उस प्रॉपर्टी को अब यूज करेंगे और छोटा छोटा दो तीन बात बोलेंगे, अब हर प्रॉपर्टी उस मदर प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा, दैट इज द मदर। अब बाकी सब
उसी से डिराइव्ड है। तो पहला प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, अगर हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें, कोई दो एडजेसेंट रो को हम अदला बदली करें, अभी तो हम फर्स्ट और सेकंड रो को अदला बदली करके दिखाए हैं, फिर दिखाएंगे सेकंड और थर्ड रो को अगर अदला बदली कर दें, या सेकंड और थर्ड कॉलम को अदला बदली कर दें, तो हम ऐसे लिखेंगे C2 और C3 इंटरचेंज। और अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो देखें कि इस डिटर्मिनेंट का नाम रखे हैं बी और इस डिटर्मिनेंट का नाम रखे हैं ए, दोनों के वैल्यू में क्या अंतर आता है या सेम आता है। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट रो, A1 टाइम्स ब्रैकेट में लिख रहे हैं B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2 हो गया एक्सपेंशन। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, हम इसमें सोचे हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं अबाउट द सेकंड रो, वो तो हम जान चुके हैं ना कि किसी भी तरह से एक्सपेंड कीजिए इस डिटरमिनेंट को सेम आएगा, तो हम सोचे हैं कि सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। A1 टाइम्स अभी माइनस पोजिशन है, माइनस A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 B2 C3 माइनस B3 C2 हम माइनर इमेजिन कर लिए मन में और लिख दिए, प्लस B1 टाइम्स इमेजिन करना है मन में तभी लिख पाइएगा A2 C3 माइनस A3 C2 C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2। अब कंपेयर कीजिए दोनों वैल्यूज को जो आया है, सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर है या माइनस प्लस माइनस होगा, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू को देखिए, यानी हम ये सीखे हैं, अभी प्रॉपर्टी हो गया याद कर लिए कि किसी भी दो एडजेसेंट रोज अगल बगल को अगर आप इंटरचेंज करते हैं या किसी भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में एक माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। यानी अगर हम अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखे और ये ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, आई मस्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, अब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। ये पहला प्रॉपर्टी। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में पोजीशन को चेंज करें, जैसे हम ऐसे जैसे कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे ये सब नंबर्स लिखा हो, ये सब नंबर्स यहां यहां एगो यहां ऐसे घुमा दिए, घुमा करके उसको ले आए सबसे नीचे, इसको ऊपर कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, A2 B2 C2 यहां चला गया, A3 B3 C3 यहां चला गया और A1 B1 C1 घूम करके नीचे आ गया। साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज किए, अब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा इसको देखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंड करते हैं, इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दिए, ये आ गया, इसको हम सोचें थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस पोजीशन है तो A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 टाइम्स सेम आ रहा है। यानी अगर साइक्लिक ऑर्डर में घुमाते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, फिर एक बार घुमा सकते हैं, इसको अब एक बार यहां ले जाइए, इसको बीच में लाइए, उसको नीचे पहुंचा दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम इसके स्थान को फिक्स करके इन दोनों को अदला बदली कर दें तो क्या होगा, यानी A3 B3 C3 ऊपर चला गया, A2 B2 C2 बीच में ही छोड़ दिए, और ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक मतलब तीनों अपना अपना स्थान बदल देगा, हम इसमें किसी एक रो को फिक्स करके बाकी दोनों को अदला बदली कर दिए। जैसे पहली बार क्या किए थे कि इसको अपने स्थान पर छोड़ दिए थे, इन दोनों को अदला बदली कर दिए थे, अगली बार हम सोचे हैं इसको अपने स्थान पर छोड़ देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। साइक्लिक इज डिफरेंट, साइक्लिक ऑर्डर मतलब तीनों अपना अपना स्थान बदल देगा, उस केस में तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज करेगा पक्का। अब इस केस में जरा एक्सपेंड करके देखिए, फिर वही हम एक्सपेंड करते हैं इसको अबाउट दिस थर्ड रो, A1 into B3 C2 माइनस B2 C3,
देखिए आपको अंतर आने लगा एक साइन का, यहां B2C3 माइनस B3C2 है, यहां B3C2 माइनस, फिर माइनस B1 इंटू उसी तरह से A3C2 माइनस A2C3, यानी कि एक माइनस साइन का अंतर आ रहा है। मतलब हम लोग एक फाइनल बात सीखे कि ये जो तीन रो है अगर उसमें किसी एक के स्थान को छोड़ दें बाकी दोनों को अदला बदली कर दें तो एक माइनस साइन का अंतर आ जाएगा। किसी भी एक को फिक्स करके इन दोनों को, इसको छोड़ दें इन दोनों को बदल दें, या इस कॉलम को छोड़ दें इस कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इस कॉलम को छोड़ दें और इन दोनों को इंटरचेंज, अगर साइक्लिक ऑर्डर में घुमाएंगे कॉलम्स को भी या रोज को भी तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी, आई मीन मदर के बाद सेकेंड। देखिए एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, हम सोचे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बदलने जा रहे हैं। यहां हम A1, A2, A3 लिख रहे हैं, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 डिटरमिनेंट को। इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अबाउट A1 टाइम्स B2, C3 माइनस B3, C2 माइनस A2 टाइम्स B1, C3 माइनस B3, C1 प्लस A3 टाइम्स B1, C2 माइनस B2, C1। हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, हम फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को बदलने जा रहे हैं, बाकी दोनों को छोड़ दिया और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बदल के क्या करने जा रहे हैं, हम R1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने जा रहे हैं, यानी उसके सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक नया डिटरमिनेंट बन गया। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करके देखें, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर है कि भिन्न है, एक्सपेंड कीजिए तो 2A1 इंटू दिस माइनस 2A2 इंटू दिस माइनस दिस प्लस 2A3, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो आप देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू दुगुना हो गया है, यानी हम इसमें से चाहते तो 2 कॉमन लेकर के यहां लिख सकते थे। आई रिपीट, ऐसा डिटरमिनेंट अगर कभी देखें तो इसको हम इक्वल टू 2 कॉमन लेकर के बाहर लिख सकते हैं, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, अभी जो सीखे हैं उसके अनुसार ये सीखे हैं। अगर हमको कोई डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हो 3, 6, 9, 2, 4, 8, 4, 6, 11, अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करने के पहले अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रो में एक कॉमन नंबर दिख रहा है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 times 1, 2, 3, इस रो में हमको एक कॉमन नंबर दिख रहा है 2, तो आई कैन टेक आउट 2 कॉमन, 6 times 1, 2, 4 और 4, 6, 11, और अब फिर इस कॉलम में हमको एक कॉमन नंबर दिख रहा है 2, तो हम उसमें से फिर 2 कॉमन ले सकते हैं 1, 1, 4, 1, 1, 3, 3, 4, 11, ऐसा कर सकते हैं। यही सीखे कि किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से गुना करना इज सेम एज डिटरमिनेंट को उस नंबर से गुना करना, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अगर हम मान लीजिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिटरमिनेंट में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें, रो 1 बिकम्स 2 टाइम्स रो 1, तो हमको बाहर में एक हाफ से मल्टीप्लाई कर देना होगा, अब ये डिटरमिनेंट ओरिजिनल डिटरमिनेंट जितना बराबर है। ये किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी रो को, और इसका उपयोग यही है कि एक्सपेंड करते वक्त अगर कॉमन दिखेगा तो हम ले सकते हैं। अगर यहां भी इस रो में भी 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 कॉमन दिख रहा है और इसमें भी 3 कॉमन दिख रहा है मान लीजिए, तो उसमें से भी 3, 3 हर रो के लिए एक कॉमन निकाल सकते हैं, हर कॉलम के लिए एक कॉमन निकाल सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम किसी भी एक रो के लिए, ये बात है, हम खाली एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो में हम ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, देखिए 3R1, तो बाहर में हमको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर हम चाहते हैं कि इक्वल रहे डिटरमिनेंट। लेकिन हम रो वन के एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं उसमें 2 times R2। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए, हम लिखे हैं कि हम फर्स्ट रो का एलिमेंट्स अब बदल के ऐसा करना चाहते हैं, माने हम चाहते हैं कि उसमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया जाए। चलिए करके देखते हैं, यानी यहां पे नंबर हो जाना चाहिए A1+2B1, A2+2B2 और A3+2B3। अभी नया डिटरमिनेंट बना, अब इसको एक्सपेंड करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चेक करके देखते हैं। एक्सपेंड कीजिए, अपने मालूम चल जाएगा। A1+2B1 गुने B2C3-B3C2, उस ये वाला चीज जो वहां लिखा है वही यहां भी लिखना है, हम उसको कुछ लिख दे रहे हैं कैपिटल L, प्लस A2+2B2 गुने माइनस इतना को हम M लिख रहे हैं, अब प्लस A3+2B3 गुने N, माने यहां L जो है सो ये है, एम जो है उसको यहां माइनस को एब्सॉर्ब कर लीजिए, तो B3C1-B1C3 है। तो हम इसको L, इसको M, इसको N बोल रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो दिस इंटू उसको L बोल रहे हैं, दिस नंबर इंटू दिस माइनस दिस उसको M बोल रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमको देखना है कि ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम है कि अलग, यही देखना है। तो ये आएगा A1 इंटू L, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस A2 इंटू M प्लस A3 इंटू N, इसका वैल्यू तो इक्वल टू A हो गया, प्लस 2 times B1L प्लस B2M प्लस B3N। इसको जरा गौर से देखना है, इसका वैल्यू हम दिखाने जा रहे हैं कि जीरो है। अब B1 इंटू दिस कीजिएगा, B1 इंटू B2C3-B3C2, अब प्लस B2 इंटू B3C1-B1C3, अब B3 इंटू B1C2-B2C1, इसका वैल्यू जीरो है। हर एक नंबर यहां जो गुना कीजिएगा B1, B2, C3, एक माइनस B1, B2, C3 मिल जाएगा, सो ये 6 टर्म जुट करके जीरो हो जाता है। फिर से देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं हम लोग, इस डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए क्या आया है, इसी को हम स्प्लिट करके 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, प्लस 2 times B1, B2, B3 और C1, C2, C3। चेक कीजिए, यहां जो लिखा है ना, इसी को हम 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिखे हैं, एक A1 इंटू L, A1 इंटू दिस, A2 इंटू M, एक A3 इंटू N, ये डिटरमिनेंट है, एक 2B1 इंटू L, तो यहां 2B1, 2B2, 2B3, इसको हम स्प्लिट करके सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए। ये डिटरमिनेंट तो इक्वल टू A है, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हम साबित कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि जीरो है। फिर से कर रहे हैं, एक्सपेंड कीजिए अलोंग द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो, तो C1 मल्टीप्लाइड बाई B2, B3-B3, B2 जीरो हो गया, C2 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस जीरो हो गया, एंड C3। यानी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां सीखे कि किसी भी डिटरमिनेंट का, चाहे कितना भी बड़ा डिटरमिनेंट हो, अगर उसका कोई भी 2 रो सेम दिख रहा हो तो उसका वैल्यू जीरो होगा, किसी भी डिटरमिनेंट का। जैसे हम यहां एक डिटरमिनेंट लिख दें 4, 6, 8, 9,
फाइव, एक फिफ्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट बना रहे हैं, कुछ 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 लिख दिए, यहाँ जीरो नहीं लिखे हैं। अगर सब जीरो लिख देंगे तब तो खैर जीरो होगा ही, 9 1 7 6 4, थर्ड रो 4 6 8 9 5, ये सेम लिख दिए। बाकी अब दो रो और हम लिखने वाले हैं, वो चाहे कुछ भी लिखें, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो अगर आपको सेम दिख रहा हो कहीं भी, या दो कॉलम दिख रहा हो सेम, तो उसका एक्सपेंशन कीजिएगा ही मत, उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो हम साबित किए कि अगर आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बदल दिए हैं। क्या किए हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में कुछ ऐड किए हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को दो से गुना करके ऐड कर दिए, ऐसा डिटरमिनेंट बना दिए। अब हम साबित करना चाह रहे थे कि ऐसा करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट रो को कह रहे हैं कि बदल रहे हैं आप, उसके रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 2 से ऐड कर दिए, तब यहां 3a1 3, अब बदल जाएगा डिटरमिनेंट, अब तिगुना हो गया है। अब अगर बाहर में 1/3 से नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू सेम नहीं रहेगा, लेकिन आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बदलने के लिए क्या किए हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड किए हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को गुना करके 2 से डिटरमिनेंट बना। और हम साबित किए कि दिस इज इक्वलेंट टू सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, इसका वैल्यू जीरो है एंड ये ओरिजिनल है। इतना ही नहीं, अगर आप इसमें थर्ड रो का एलिमेंट्स को भी ऐड कर देते, मान लीजिए -5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को, ऐसा किए होते, यानी आप यहां पे लिखे होते एक नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन करके, हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को नहीं छुए हैं, थर्ड रो के एलिमेंट्स को नहीं छुए हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, a1 + 2b1 - 5c1, a2 + 2b2 - 5c2, a3 + 2b3 - 5c3, अब इसका वैल्यू अनचेंज्ड है, उतना ही है। साबित कर सकते हैं इसको, हम 3 डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही जब एक्सपेंड कीजिएगा ना, तो दिस इनटू तो तीनों डिटरमिनेंट का जो सेकेंड और थर्ड है उसको हम जस के तस छोड़ दे रहे हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3 अब फर्स्ट रो में यहां लिख दे रहे हैं a1 a2 a3, यहां लिख दे रहे हैं 2b1 2b2 2b3, यहां लिख दे रहे हैं -5c1 -5c2, इसमें -5 कॉमन ले लीजिए, इसमें +2 कॉमन ले लीजिए। अब ये जीरो हो गया क्योंकि इसका दो रो सेम है, ये भी जीरो हो गया क्योंकि इसका भी दो रो सेम है, लास्ट रो एंड फर्स्ट रो, एनी टू रोज सेम या कॉलम सेम, यानी कि ऐसा करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जिस रो को बदल रहे हैं उसी को अगर कोई चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब डिटरमिनेंट चरगुना हो जाएगा, अब 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो का कर सकते हैं, द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल -3 2 4 5 1 0 and 6 -1 3, एक डिटरमिनेंट लिखे, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यों करेंगे ये अभी आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम देखिए इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को बदल रहे हैं, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को हम 2 से गुना कर रहे हैं और उसमें ऐड कर रहे हैं कॉलम 1 का एलिमेंट्स और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉलम 2 का एलिमेंट्स। ऐसा करने से अब डिटरमिनेंट का शक्ल हम सिर्फ थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म किए हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को छुए भी नहीं है। यहां यही लिखे, थर्ड कॉलम बिकम्स दिस। अब आप यहां पे अगर सिर्फ C3 रखते, अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दी 2 से तो आपको बाहर में एक हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, इफ यू वॉन्ट द डिटरमिनेंट टू रिमेन अनचेंज्ड। अब यहां पे नंबर्स लिख रहे हैं, 2 times this number 8 + C1 - C2, यहां पे लिखेंगे 2 times 0
प्लस सी वन माइनस सी टू और टू टाइम्स दिस नंबर प्लस सी वन माइनस सी टू यानी कि एट माइनस फाइव थ्री फोर एंड थर्टीन। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए और जो नंबर आए उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एग्जैक्टली इतना ही के बराबर होगा। दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट आर सेम। अगर हम हाफ से नहीं मल्टीप्लाई करते तब इसका वैल्यू दुगुना आता जो इस डिटर्मिनेंट का है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी रो किसी भी कॉलम को कर, फिर हम इसको फर्दर फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट का शक्ल यहां से चले थे, बदलते 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 बिल्कुल ही नया शक्ल पर पहुंच सकते हैं। आई कैन जस्ट गो ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। ऑल आई नीड टू रिमेंबर कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कर सकते हैं। कहां कुछ था करने को, एक ही चीज तो था, आप किसी भी रो को बदल सकते हैं। रो वन में किसी भी अन्य रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें विद सम नंबर, रो थ्री को मल्टीप्लाई कर दें विद सम नंबर, आपकी मर्जी, नहीं जरूरत है तो मत कीजिए ट्रांसफॉर्म, ऐसा कर सकते हैं। यहां मत मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर सेकेंड रो के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आर टू प्लस एनी नंबर इंटू आर वन प्लस एनी नंबर इंटू आर थ्री कर सकते हैं, नहीं मानत नहीं भी कर सकते हैं, आप सिर्फ m इंटू आर वन एड कर सकते हैं सिर्फ इन इंटू आर थ्री, यहां नहीं मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सारा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का हम लोग डिस्कस कर लिए। एक आखिरी बात, हम दो डिटर्मिनेंट देंगे सेम ऑर्डर का, यहां लिख रहे हैं ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। एक डिटर्मिनेंट लिखे हैं, इसका नाम है ए। एक और डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं बी, यू वन यू टू यू थ्री, वी वन वी टू वी थ्री और W1, W2, W3। ये दूसरा डिटर्मिनेंट है B। हम चाहते हैं कि दोनों डिटर्मिनेंट को गुना करके वैल्यू बताइए। हाँ तो इसमें करना क्या है, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस, और उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक नंबर ही ना आएगा रियल नंबर, दोनों को निकाल के गुना कर लेंगे। अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इन दोनों डिटर्मिनेंट को गुना करके एक सिंगल डिटर्मिनेंट क्रिएट किया जा सकता है ऑफ द सेम ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट गुने थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, दिस गुने दिस, ए गुने बी, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी हम एक डिटर्मिनेंट आपके सामने अभी क्रिएट करेंगे जिसका वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते, इसको निकालते और दोनों नंबर को गुना करते उतना के बराबर होगा इस वन सिंगल डिटर्मिनेंट का वैल्यू। यहां पे नाइन एलिमेंट्स है, डैश 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 करके खाली जगह छोड़ दे रहे हैं, इन सब रिक्त स्थानों को भरना है, नाइन एलिमेंट्स। हम इनका कुछ नाम रख दे रहे हैं, लैम्डा वन वन, लैम्डा वन टू, लैम्डा वन थ्री, एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, लैम्डा टू वन, लैम्डा टू टू, लैम्डा टू थ्री, लैम्डा थ्री वन। हमको सभी नौ वैल्यूज को निकालना है, तो क्या सोचे हैं वो देखिए। हम लोग सोचे हैं कि जब आपको लैम्डा वन वन का वैल्यू कहें कि निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा कि पहला डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का एलिमेंट्स ले लीजिएगा, ए वन ए टू ए थ्री को ले लिए, और दूसरे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स को ले लीजिएगा, u1 v1 w1, और दिस नंबर इंटू दिस नंबर प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके जो नंबर आएगा वो यहां लिख लीजिएगा। यानी लैम्डा 11 का वैल्यू होगा a1 इंटू u1 प्लस a2 इंटू v1 प्लस a3 इंटू w1। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स को भर देंगे, चेक करें फिर। जैसे हमको लैम्डा वन टू का वैल्यू निकालना है, तो पहला डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो
और दूसरे डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम लेंगे। इस तरह से जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको बोलते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन, यानी एक डिटर्मिनेंट का रो लेते हैं दूसरे का कॉलम। तो ये स्थान भरना हो तो दिस इंटू दिस करेंगे, ए वन इंटू यू टू प्लस ए टू इंटू वी टू प्लस ए थ्री इंटू डब्ल्यू टू। ये वाला निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो उसका थर्ड कॉलम, ये निकालने के लिए इसका सेकेंड रो उसका सेकेंड कॉलम, ये निकालने के लिए थर्ड रो उसका सेकेंड कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये डिसाइड हुआ है। और अब जो डिटर्मिनेंट बनेगा इट इज इंटरेस्टिंग कि अब इसको आप एक्सपेंड करके देखिए वही आंसर आएगा जो इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करने पर आता। हम यहां एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं 413210-115 और एक और डिटर्मिनेंट 11-1201, सिंपल सिंपल नंबर्स दे रहे हैं 3-1 1। दो डिटर्मिनेंट है, एक का नाम ए एक का नाम बी, दोनों को गुना करने के लिए कह रहे हैं। माने गुना खाली करने के लिए कहेंगे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे 4 × 5 − 0, 1 × −1 − 10, नंबर निकाल लेंगे गुना कर देंगे। लेकिन हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं बाय वन सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इस स्थान को भर रहे हैं, दिस इंटू दिस करेंगे 4 × 1 + 2 + 6 + 9 = 15। यहां वाला लिखना होगा इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, 4 × 1 = 0 − 3 = 1 लिखेंगे। यहां वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम −4 + 1 − 3 + 3 = 0 यहां वाला लिखना है एलिमेंट, तो इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस 2 + 2 = 4 इस तरह से भर दीजिए। अब आप निश्चिंत होकर के इसको एक्सपेंड कीजिए उतना के बराबर आंसर आएगा। ऐसा क्यों करेंगे हम, इजंट इट इजी कि हम सीधे इसी को एक्सपेंड कर लें 4 × 5 − 0 = 20 − 1 × 0 − 10 + 10 3 × 2 + 1 = 9 इसका वैल्यू हो गया 39। उसी तरह से इसका निकाल लें और फिर दोनों को गुना कर दें, यस इट इज इजी, व्हाई वी शुड आई डू दिस, ये एक प्रॉपर्टी है लेकिन मालूम होना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं कब काम देगा। और ये आखिरी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स का जो हम लोग को जानना है। अगर हम लोग रो बाय कॉलम के बजाय हम आपसे कहते कि रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ऐसा बोलते यानी इस स्थान को भरने के लिए इसका फर्स्ट रो और उसका भी फर्स्ट रो लीजिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, ये स्थान भरने के लिए इसका फर्स्ट रो और उसका सेकेंड रो लीजिए, यानी इस स्थान के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस। अगर ऐसा कहे होते रो बाई रो, या कहते कि कॉलम बाई रो कीजिए, मतलब इसका फर्स्ट कॉलम उसका फर्स्ट रो, ऐसा लीजिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये स्थान भरने के लिए इसका थर्ड कॉलम उसका सेकेंड रो लीजिए, कॉलम बाई रो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस। या आप एक और पॉसिबल ऑप्शन था मेरे पास, कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन। इतना तरह का मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते थे, हर बार अलग शक्ल का डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एक्सपेंड करने पर रिजल्ट सेम आता है। यानी जब भी हम दो डिटर्मिनेंट को कहते हैं कि गुना कीजिए तो द चॉइस इज योर्स कि आप किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, रो बाय कॉलम की रो बाय रो की कॉलम बाय कॉलम की कॉलम बाय रो। एक छोटा सा यूटिलिटी आपको हम सिखा देते हैं। टू डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन में तीन पॉइंट का वर्टिसेस दिया हुआ है, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री।
इसका एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए हम लोग क्या किए थे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, इस ट्रेपेजियम का पहले एरिया निकाले थे, ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाले थे, दो साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए अगर दो पैरेलल साइड्स का लंबाई पता हो L1 L2 और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो H, तो दो ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं, इसका एरिया होगा हाफ L1H और उसका हाफ L2H, यानी L1 प्लस L2 बाई 2 टाइम्स H, ट्रेपेजियम के एरिया से निकालते हैं। इसका लंबाई पता है अगर हमको Y3 ऊंचाई, वही लंबाई है, इसका Y2, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो पता है X2 माइनस X3, तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख सकते हैं इस ट्रेपेजियम का, Y2 प्लस Y3 बाई 2, दिस हाइट प्लस दिस हाइट बटे 2 गुने X2 माइनस X3। अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें Y2 प्लस Y1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, ये X1 है और ये नंबर X2 है, तो ये दूरी हो गया X1 माइनस X2, और हम इस ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो हमको ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, माइनस हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू माइनस, ये Y3 है ये Y1 है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच का दूरी विच इज X1 माइनस X3, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हाफ बाहर आ गया और अंदर में तीन टर्म था, X1 टाइम्स Y2 माइनस Y3 सिंप्लीफाई करने पर, प्लस X2 टाइम्स Y3 माइनस Y1, प्लस X3 टाइम्स Y1 माइनस Y2, यही हम लोग को आया था फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। यानी अगर हम आपको तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे -1.5, 2.7 और 9.6, एनी थ्री आर्बिट्री पॉइंट्स हम लिख लिए इस ऑर्डर में, एरिया कहें कि बताइए, तो हाफ इसमें किसी को X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 मान लीजिए, X1 टाइम्स Y2 माइनस Y3 माइनस 1 टाइम्स 7 माइनस 6 प्लस X2 टाइम्स Y3 माइनस Y1 6 माइनस 5 प्लस X3 टाइम्स Y1 माइनस Y2, यही होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन जरा देखिए हम लोग इसी फॉर्मूला को थोड़ा और हैंडसम फॉर्म में लिख सकते हैं, X1 Y1 1, X2 Y2 1 एंड X3 Y3 1, इस रूप में अगर हम लिखें एक डिटरमिनेंट के रूप में, देखिए वही लिखा हुआ है, हम एक्सपेंड करते हैं अबाउट द फर्स्ट कॉलम, X1 टाइम्स Y2 माइनस Y3 ये पहला टर्म है, फिर माइनस होगा माइनस X2 टाइम्स Y1 माइनस Y3, उसको प्लस लिखिएगा तो Y3 माइनस Y1 एंड प्लस X3 टाइम्स Y1 माइनस Y2। यानी इस फॉर्मूला को इस रूप में याद करने में काफी कष्ट है, लेकिन इस रूप में याद करने में बहुत आसान है, इनटू हाफ। एक और बात कि हाँ, लास्ट में हमको मॉड लिखना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके अनुसार अगर हम आपको तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें -5.3, 7.2, 9.4, कहें कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो अगर मान लीजिए हम इसका एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाए ऐसे -5.3, 1.7, 2.1 और 9.4.1, बस पहले डिटर्मिनेंट बना लेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा विद्यार्थी मान लीजिए कि इन नंबर्स को अरेंज करने में पहले इसको लिखा, हाँ उसकी मर्जी, हम तो कहें हैं कि किसी को X1 Y1 मान लीजिए, किसी को X2 Y2 और किसी को X3 Y3, तो पहले अगर इसको लिख दिया 7.2.1 और तब -5.3.1 लिखा और तब 9.4.1,
तो उस विद्यार्थी को जो आंसर आएगा और इसको जो आंसर आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर पॉजिटिव नंबर होगा और कोई एक नेगेटिव नंबर होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर देने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में एक माइनस साइन का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर में इस फॉर्मूला के क्या करते हैं, लिख देते हैं मॉड ऑफ, मॉड का सिंबल ऐसा था, लेकिन अब यहां एक ऑलरेडी दो लंबा डंडा बना दिए हैं डिटरमिनेंट के लिए, अब फिर एक लंबा डंडा ऐसे दो बनाए तो इट विल नॉट लुक हैंडसम। इसीलिए यहां पे शब्दों में लिख देते हैं मॉड ऑफ दिस, यानी आपको जिस ऑर्डर में लिखना हो लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स को, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए और उस नंबर को हाफ से गुना कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट विल बी द एरिया। अब हमको ये फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा यूटिलिटी आपको दिखाए हैं डिटरमिनेंट का। आगे आपको बहुत सारा दिखेगा यूटिलिटी जिसमें कि हम अगर बड़ा ही अगली लुकिंग फॉर्मूला, लेकिन अगर आप उसको डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए तो बड़ा हैंडसम फॉर्म हो जाता है, इजी टू रिमेंबर। दिस इज वन यूटिलिटी। ठीक है, आज के लिए समाप्त।